मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे बीच पर कई सारे लोग मिलकर नाइट पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और सभी लोग मिलकर अच्छे से पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। अब रात खत्म होती है और अगला दिन आता है। ये सभी लोग रात की पार्टी से थकने के बाद में अभी तक सो रहे होते हैं। यहाँ पर केली उठती है और वो बाकी लोगों को भी जगाती है। केली और मिच नोटिस करते हैं कि उनके अलावा पार्टी में बाकी फ्रेंड्स लोग थे वो जा चुके हैं। उनकी फ्रेंड मार्सा भी तभी दूसरी साइड में नींद से जागती है। पार्टी के हैंगओवर के बाद में उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती है और उसे उल्टी होने लगती है। केली पास में देखती है कि एक कौवा सैंड पर आकर बैठा है, जिसके बाद में उसके साथ में कुछ अजीब होने लगता है। मार्सा अपने टेबल से नीचे उतरती है और अचानक से सैंड पर जब वो पैर रखती है तो उसका पैर वहाँ पर स्टक हो जाता है। मार्सा अपने पैर को निकालने की पूरी कोशिश करती है, मगर उसका पैर ऐसा लगता है कि कोई अंदर खींच रहा है। इसे देखकर उसका एक फ्रेंड उसे बचाने के लिए जाता है, मगर जैसे ही वो सैंड पर पैर रखता ही है कि वो भी सैंड में चिपक जाता है। उसके गिर जाने की वजह से अब उसका पूरा शरीर सैंड से चिपक जाता है। ऐसा लगता है कि कोई चीज है जो उसे अंदर अपनी ओर घसीट रही है, जिसके बाद में अब वो बहुत बुरी तरीके से उस सैंड के अंदर समा जाता है। सभी फ्रेंड्स ये देखकर बेहद हैरान हो जाते हैं। इन सब लोगों को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि आखिरकार क्यों और कैसे हुआ है। केली चेक करने के लिए सैंड के पास में जाकर कुछ ऊपर से सैंड के पास में अपना हाथ रखकर चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि कोई चीज है जो सैंड से निकल रही है, जिसके बाद में ये सभी लोग जान जाते हैं कि सैंड में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और हमें अब नीचे नहीं उतरना चाहिए। कुछ समय बाद उनके फ्रेंड गिलबर्ट की अब यहाँ पर आँख खुलती है, जो कि एक बड़े से कैन में होता है। इन फ्रेंड्स लोगों ने पिछली रात में गिलबर्ट के साथ में प्रैंक करने के लिए उसे उस कैन में डाल दिया था, और जब अब गिलबर्ट की आँख खुलती है तो वो अपने आप को उसमें फंसा हुआ देखकर उन सभी लोगों के ऊपर चिल्लाने लगता है। बाकी फ्रेंड्स लोग उससे बाहर न निकलने को और उसे शांत रहने को कहते हैं, मगर गिलबर्ट को अभी नहीं पता होता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन फिर भी सभी लोग गिलबर्ट को समझा देते हैं कि तुम अपनी उसी पोजीशन में रहो और हिलने डुलने की कोशिश मत करो। सभी फ्रेंड्स लोग अब शांत होकर अपनी इसी पोजीशन में रहकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। इन सब के पास में मदद के लिए अब कोई भी आइडिया नहीं बचता है। इन लोगों का फोन भी कार के ट्रंक में होता है और सारी रात पार्टी के चक्कर में इन्होंने अपने कार की लाइट्स ऑन रखी थी, जिससे कार की बैटरी डेड की वजह से कार भी अब स्टार्ट नहीं होती है। धूप इतनी तेज होती है जिससे कि सभी की बॉडी जलने लगती है, जिसके बाद में अब सब लोग अपनी बॉडी पर बॉडी लोशन लगा के कुछ रिलैक्स करते हैं। थोड़ी देर बाद में अब सभी लोगों की नजर पास में एक बड़े से अंडे जैसे दिखने वाली चीज पर जाती है। सभी लोग ये सोचते हैं कि इस अंडे से जरूर कोई मॉन्स्टर निकला होगा। जल्द ही अब यहाँ पर सभी लोग ये रियलाइज करते हैं कि पार्टी में जितने भी लोग थे वो यहाँ से गए नहीं है, बल्कि सभी लोग इस सैंड में ही दफन हो चुके हैं, या फिर वो सैंड मॉन्स्टर इन्हें खा गया है। ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ भी होने वाला नहीं है। सभी लोगों को भूख भी लगने लगती है, इसीलिए जोना अब एक आइडिया लगाता है। वो दो राफ्ट के जरिए पास के टेबल पर जाने की कोशिश करता है। बाकी फ्रेंड्स जो लोग होते हैं उसे ऐसा करने से रोकते हैं, मगर जोना फिर भी किसी की बात माने बिना वो ऐसा करता है। वो धीरे धीरे राफ्ट के जरिए आगे बढ़ता है। वो जस्ट टेबल के पास में पहुंच ही जाता है, लेकिन उसका राफ्ट अब यहाँ पर पीछे की ओर स्लाइड करने लगता है, जिससे जोना टेबल और राफ्ट के बीच में फंस जाता है। वो बस सैंड को टच करने वाला होता ही है, मगर एक झटके से कूद के जोना पास के टेबल पर चला जाता है। सैंड के पास में इतना नजदीक चले जाने के कारण उसके पेट में अब कुछ जख्म जैसा बन जाता है, जिसके बाद में अब उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द कम होने के बाद में वो अपने फ्रेंड्स को खाने पीने की चीजें देता है, मगर इसी के दौरान अब जोना का दर्द और भी बढ़ जाता है। किसी जले हुए स्किन की तरह उसके पेट पर अब बबल्स फूटने लगते हैं, जिससे जोना को बेहद ही ज्यादा दर्द होता है। दर्द के कारण जोना अब आगे कुछ नहीं कर पाता। कार के ट्रंक में उन सभी लोगों का सामान होता है, इसीलिए कार के ऊपर वाली लड़कियां किसी तरह ट्रंक को खोलने का ट्राई करती हैं। दोनों लोग ट्रंक को खोलने का काफी ज्यादा ट्राई करती हैं। ट्रंक लगभग खुल ही गया था कि उसी दौरान एक पुलिस की कार उन लोगों के सामने आती हुई दिखाई देती है, जिससे एक्साइटेड होकर रोने की उंगलियां कार के ट्रंक में फंस जाती है। सभी फ्रेंड्स चिल्ला के अब पुलिस को यहाँ पर बुलाते हैं, मगर पुलिस को यहाँ की सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, जिससे वो बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट करता है। केली और मिच उससे पूरी बात बताने की दूर से कोशिश करती है कि सैंड में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, मगर ये पुलिस सब मजाक समझता है। केली पुलिस से सैंड में न उतरने के लिए भी कहती है, मगर पुलिस वाला बिना किसी की बात माने हुए वो सैंड पर उतर जाता है, मगर उसके मोटे और हार्ड जूते होने के कारण उसे कुछ भी नहीं होता है। पुलिस वाला पहले जोना के पास में जाकर उसकी हालत देखता है, फिर गिलबर्ट के पास में जाता है, और उसके बाद में केली और मिच के पास में जाकर यहाँ की पूरी सिचुएशन पूछता है। केली यहाँ की पूरी बात बताती है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या था, मगर ये पुलिस वाला उसकी बात को यकीन करने के लिए राजी ही नहीं होता है। वो ये समझता है कि सभी लोग मजाक कर रहे हैं। वो पुलिस वाला केली से नीचे आकर उतरने के लिए कहता है, मगर केली आने से बिल्कुल मना कर देती है। वो पुलिस वाला आगे भी जबरदस्ती करता है, मगर तभी इसी दौरान उस पुलिस वाले की कार की चाबी नीचे गिर जाती है, और जब वो चाबी उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसका हाथ सैंड में स्टक हो जाता है। उसके हाथ में पेपर स्प्रे होता है, और जब वो पेपर स्प्रे छिड़क कर अपना हाथ खींचता है तो उसका आधा हाथ कट चुका होता है। अपना कटा हुआ हाथ देखकर वो बेहद ही ज्यादा तेज चिल्लाता है और
अपना बैलेंस खो देने के बाद में वो सैंड पर गिर जाता है और धीरे धीरे करके वो भी सैंड में समा जाता है। गिलबर्ट के इतने देर उसी कैन में होने से उसे दर्द होने लगता है। मिच यहाँ पर अब समझ जाता है कि अगर पैर में मोटा कपड़ा बांध लिया जाए और हम यहाँ से तेजी से भाग के निकले तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो चैंडा से कार में रखे हुए कुछ कपड़े मांगता है, मगर ज्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में वो भी सैंड पर गिर जाता है और उसकी भी यहाँ पर बेहद ही खतरनाक तरीके से मौत हो जाती है और वो भी सैंड में समा जाता है। सभी लोगों की उम्मीद अब यहाँ पर कम पड़ने लगती है। उस साइड में जोना दर्द से कराह रहा होता है, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड केली उसके पास में जाने का जुगाड़ बनाती है। सबसे पहले वो कार पर कूद कर रोनी के हाथ को ट्रंक से बाहर निकालती है और उसके बाद में लकड़ी के दो डंडों की मदद से उसके ऊपर चल के वो जोना के पास में जाती है। गिलबर्ट के पेट से खून निकलने लगता है, जिससे कि ये सैंड के अंदर जो भी मॉन्स्टर होता है वो गिलबर्ट की ओर बढ़ने लगता है। इस साइड में दो लड़कियां जोना के पास में टेबल पर पहुंच जाती है। अब लास्ट में यहाँ पर सिर्फ रोनी बचती है। जब वो भी उसी डंडों के सहारे से वहाँ से निकल के आती है तो उसका तभी वहाँ पर बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सैंड में गिर जाती है, जिससे उसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। चैंडा अब यहाँ पर इन सब से परेशान होकर अपने पैर में कपड़े को बांध कर जल्दी से दौड़ के पुलिस की कार की ओर जाती है, मगर इसी के दौरान में यहाँ पर गिलबर्ट को वो जो भी मॉन्स्टर होता है वो सैंड में घसीट ले जाता है। वो मॉन्स्टर पुलिस की कार को भी हिलाता है, जिसके बाद में चैंडा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ समय में अब यहाँ पर रात हो जाती है। चैंडा बेहोशी से जगती है। चैंडा को पुलिस की कार के ऊपर कुछ सामान मिलता है। इसे खोलने पर उसे पता चलता है कि ये एक एयरबोट है। वो इसको नीचे फेंक के इसमें हवा भरती है। अब इस बोट के जरिए केली और जोना दोनों लोग इस पर चढ़ के पुलिस की कार में आ जाते हैं। अचानक से केली के ऊपर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसके बाद में केली गैस कैन के जरिए उस मॉन्स्टर पर ऑयल फेंक देती है। ऑयल फेंकने के बाद में वो माचिस की मदद से उस मॉन्स्टर को जला देती है। अब केली भी कार के अंदर आ जाती है। सभी लोग अब थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। कुछ समय बाद में अब अगला दिन आता है। अगले दिन अब यहाँ पर उन लोगों के पास में एक नया आदमी आता है। वो इन तीनों लोगों को जगाता है। अब इन तीनों लोगों को पता चलता है कि सैंड में जो कोई भी प्रॉब्लम थी अब वो खत्म हो चुकी है, जिससे सभी लोग अब उस कार से बाहर निकलते हैं और इन तीनों लोगों के बचने के बाद में यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी दिस सैंड मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोग को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।